हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पॉपुलर कुकिंग रेसिपी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज बच्चों के लिए मैं बना रही थी प्लेन मैगी, लेकिन इतने में उन्होंने कहा कि मम्मी तड़के वाली मैगी खानी है। तो मैंने झटपट से कढ़ाई गर्म की, उसमें डाला तेल, तेल के गर्म होते ही जीरा और लहसुन डाला। जैसे ही लहसुन भुन गया, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल के उसको थोड़ी देर भुना। और प्याज के भुनने के साथ ही साथ मैंने उसमें ऐड किया फ्रोज़न मटर। ये फ्रोज़न मटर मैंने घर में ही तैयार किया है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई गाजर, और गाजर के साथ ही डालूँगी मैं इसमें हरी मिर्च और इसको थोड़ी देर भुनेंगे। फ्रेंड्स, मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वेदर चेंज होने की वजह से तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है, तो आप भी अपना ध्यान रखें। तो देखिए, ये मटर और गाजर जो भुन गया है, तो इसमें डालूंगे थोड़े से मसाले, तो थोड़े से घर के मसाले डालूंगे। जो ये करी पाउडर है, इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको मैंने घर पे ही बनाया है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी। और इसमें डालूंगे मैं चिली पाउडर, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ी देर भूनूंगी और इसके साथ ही मैं डालूंगी जो पैकेट के अंदर मैगी मसाला आता है, ये आटा नूडल्स वाला जो है मैगी है। तो इसको मैं भुनने के बाद, देखिए हमारी साइड बाई साइड जो है मैगी भी बॉईल हो चुकी है। तो अब ये मसाला हमारा तैयार हो गया है तड़का, तो ये जो बॉईल मैगी है इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।